आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट. तो एक तो लाइक हम लोग या तो जो अवॉइड करते हैं
वो हमारा लिमिटर होता है एक्चुअली। तो अगर हम वो लिमिटर को पुश कर सके तो हम लोग एक्चुअली रिस्क लेते हैं, और अगर लिमिटर पुश नहीं कर पाते तो वी एक्चुअली अवॉइड और एस्केप कर सिंपैथेटिक सकते। और एक मिनट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात आप कर रहे हैं शायद, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बताया गया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो है जो उस अचानक से जो हमें एक सडन फीलिंग होती है, जैसे एंगर, फेयर, फ्लाइट, भागना पड़ता है कभी किसी खतरे को देखते हुए, तो उस वक्त वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जो हमें एक्सीडेंटली जो भी सिचुएशंस होती हैं, जो जिसके लिए हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं, अचानक से हम पे आ जाती हैं, उनके लिए हमें प्रिपेयर करता है। इसकी वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इसके नतीजे में जो बॉडी में चेंजेस आती हैं उनको दोबारा से कंट्रोल करके नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ये बताया था। इन दोनों का डिफरेंस ये है। तो ऑटोनॉमिक बेसिकली आपका इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम हो गया, और जो आपका वॉलंटरी एक्शन है वो हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, कि जिसके अंदर आपके वॉलंटरी एक्शंस जो आपके कंट्रोल में है, वो सब जो नॉर्मल एक आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर सब चीजें चल रही हैं, वो सब आपके सोमैटिक के अंदर आ गया। और लेकिन जो एक सडन एक्सीडेंटल जो भी चेंजेस हैं उनके लिए जो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। और क्या आपने देखा इसका, और क्या आप मुझे बताएंगे? मैं फिलहाल तो इतना ही याद है। इतना ही याद है। फिर आपने पार्ट्स ऑफ ब्रेन भी तो देखे थे। ओके यस, सेरिब्रम, सेरिब्लम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड द जी जी मेजुलर जी ऑब्लॉन्गटा, बिल्कुल वो तो बिल्कुल, याद है मेरे को वो। हाँ, ठीक। तो हमने पार्ट्स ऑफ ब्रेन देखे जिसके अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन था, ठीक है। उसको लोब्स की सूरत में बताया, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ठीक है। फ्रंटल, लेटरल, पेरिशियल एंड फोर्थ नेबुला। तो जी अच्छा। और फिर उसके बाद फिर उनके फंक्शंस बताए कि उसके अंदर जो भी, जैसे सेरेब्रम है तो सेरेब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो कि राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है। और क्या देखा? मिड ब्रेन जो होता है विजुलाइज आईज के लिए जी होता है, और जो हिंड ब्रेन जो होता है वो होता है बैलेंस मूवमेंट और इन्वॉलंटरी एक्शंस के लिए, से सेंट्रल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जी बिल्कुल। और मेड्यूला एब्लोंगेटा जो होता है वो आगे जाके जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाती है, ग्रेजुअली टर्न्स इनटू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और फिर स्पाइनल कॉर्ड्स के से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और रिफ्लेक्सेस नहीं, जो स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, अगर वो ब्रेन की तरफ जा रही होती है तो वो स्पाइनल नर्व्स कहला रही है, ठीक। पूरा पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो के स्पाइनल कॉर्ड से ही ड्राइव हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, एक मिनट, वो शाम से कांटेक्ट हुआ आपका? बस मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ उनको, जी टेक्स्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट कीजिए मैं उनसे, बोलिए ज्वाइन करने की कोशिश करती रहे वो, ये ना हो कि आराम से होके बैठ जाए। जी मैंने कर दिया है।
ओके आप कुछ यस आप कुछ सवाल आ जाते हैं उनको भी हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द नर्वस सिस्टम व्हिच इज व्हिच कंटेन्स ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स दैट आर अराइज फ्रॉम द पेरिफेरल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. वॉलंटरी एक्शन पता है हमें. वॉलंटरी एक्शन होता है व्हिच इज कंप्लीटेड और व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय अ कॉन्शियस थॉट और अंडर आवर ओन विल. इनवॉलंटरी एक्शन which is our which is which with, without conscious thought or which is not controlled by our own will. Now name this neuron. This neuron is sensory. Yes, this is the sensory neuron. This one relay. Relay, good. This one motor which is remote. Yes, okay. Reflex are the path of impulses in the body. The okay, good. The path of electrical impulse inside the body. Pura kya stimulus directed by the receptor. Impulse passed along the sensory neuron to relay neurons to the central nervous system and from the central nervous system to the motor neuron and to the effectors. Effector brings a response. Reflex action. Achha, reflex action main bata nahi saki. Reflex action kya? Ek sudden sudden response hai. Sudden response okay, sudden response of the body hai to sudden stimulus. Just like agar aap ekdam se koi garam cheez ko haath lagate hain to aap apne haath ko piche hata lete hain. A rapid response to a stimulus by an effector muscle. Synapse bhi humne discuss kar liya ki synapse kya hai. Junction between two neurons. Yeah, junction between two neurons. Okay, isko to abhi jaane de. How is an impulse transmitted between two neurons? Through synapse. Through synapse. क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं केमिकल इंपल्स के अंदर और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिनेप्टिक गैप के थ्रू डिफ्यूज होके दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाते हैं. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिनेप्स टू इंश्योर दैट द इंपल्स ट्रैवल इन वन डायरेक्शन. या ओके एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स दैट अफेक्ट सिनेप्स.